আপনি বলুন, বলতে পারবেন? এই বিষয়ে সকলকে অ্যালার্ট করা হচ্ছে। সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে এনডিআরএফ এর তরফ থেকে জানানো চাইতেছে যে এনডিআরএফ এর টিম থেকে আমাদের আবার মাইকিং করা হচ্ছে। समुद्र के किनारे से तकरीबन 50 किलोमीटर के पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्री तूफान की जो हवाएं आती हैं वो काफ़ी भयावह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और रिहायशी इलाका काफ़ी कच्चे मकानों का है, झुग्गी झोपड़ी उसका है। तो इससे बचाव के लिए कृपया जो सभी यहाँ पर रहने वाले जन हैं वो ध्यान रखें कि जब हवा तेज आती है तो उसी लक्ष्य समय अपना पेड़ों के नीचे नाखट अपना पक्के मकान में चले जाएं। किसी भी गवर्नमेंट द्वारा स्थापित दी गई स्कूल्स वगैरह की बिल्डिंग में उसमें अपना एक दो दिन के लिए अपना वहां पर रहें। जब हवा चली जाएगी, तूफान चला जाएगा, उसके उपरांत जो है अपने आप वापस आकर अपना सामान्य जनजीवन जी सकते हैं, क्योंकि हवा की स्पीड तकरीबन 50 से 60 के प्रति आवर के हो सकती है, जिससे टीना उड़ सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, झप्पर उड़ सकते हैं, जितना भी लूज आइटम है वो सारा उड़कर जन को जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो टीना वगैरह पड़ी हैं उनको अपना किसी हैवी मटेरियल से, भारी आइटम से उसको ढक दीजिए ताकि वो ना उड़े, और जो उड़ने वाले आइटम जो आपके हल्के लगे हुए हैं उनको उतार कर भी ढक के रख दीजिए। और 26 तारीख के बीच में आप जो है अपना स्कूलों की बिल्डिंग में रहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल ज़्यादा संभावना है हवा तेज पाने की। अभी जो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, अभी सावधानी हमारे आपके साथ है। पानी वगैरह की सुविधा, पानी का बाढ़ वगैरह आता है, ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, तो एनडीआरएफ की टीम आपके साथ बोटों के साथ, लाइफ रेस्क्यू के साथ, लाइफ जैकेट, लाइफ बोट और लाइफ बॉय के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी सुरक्षा के लिए। अगर किसी को कोई चोट फोट लग जाती है तुरंत जो है इमीडिएट मेडिकल फर्स्ट एड दी जाएगी है वो हमारी एनडीआरएफ की टीम मुहैया कराएगी। और पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, कोई दब जाता है, टूट फूट जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उस रास्ते को कम्युनिकेशन को खोलने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। और किसी को कोई दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हायर आगे भेजना पड़ेगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन सेटअप भी हमारे पास मौजूद है। आगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। भंडारे जी उधर म्हणजे